बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा समन भेजने के खिलाफ पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन करेगी। बुधवार को पार्टी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को 21 जुलाई को तलब किया है और इसी दिन पार्टी देश भर में आंदोलन करने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले जांच एजेंसी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी लंबी पूछताछ कर चुकी है। उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खूब हंगामा किया था, जिसे पूरे देश ने देखा। कांग्रेस ने गुरुवार को फिर से पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के सारे महासचिव, राज्यों के प्रभारी, पीसीसी प्रमुख, भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों पर विचार करेंगे। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन, रैलियों और जनता तक पहुंचने के अन्य कार्यक्रमों के बारे में मंथन किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी को 21 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। ईडी ने राहुल गांधी से जून में 5 दिन तक पूछताछ की थी। उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी और बीजेपी नीत केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया था। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में जनता के बीच पर्चे बांटने की भी योजना बनाई है। ये पर्चे तैयार किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसलिए कांग्रेस सांसद संसद परिसर में भी केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। बुधवार को हुई बैठक के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शेरनी है, वो ऐसी चीजों से घबराती नहीं है। वो कई बार ऐसी बातों का सामना कर चुकी हैं। वो ईडी के दफ्तर जाएंगी और सरकार का सामना करेंगी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, खड़गे और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल से पूछताछ की है। राहुल गांधी से जून में कई बार और घंटों पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने जून में राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ की थी। कांग्रेस इस मामले में केंद्र पर बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने उग्र आंदोलन किया था। इससे पहले भी सोनिया गांधी को 8 जून को बुलाया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उस दौरान वो अस्पताल में भर्ती हो गई। जो जानकारी मिली उसके अनुसार सोनिया गांधी ने समन को 4 सप्ताह के लिए स्थगित करने का आग्रह किया था, इसलिए उन्हें अब 21 जुलाई को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। पीएमएलए की धाराओं के तहत ईडी सोनिया और राहुल गांधी के बयान दर्ज करना चाहती है। फिलहाल जांच एजेंसी इस मामले में शेयर होल्डिंग पैटर्न और आर्थिक लेनदेन के साथ साथ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया लिमिटेड के काम में पार्टी पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।